सज्जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिका कमंडम। श्री केदारनाथ धाम इन दिनों बाबा केदार के भक्तों के जय घोष से गुंजायमान है। रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं। एक तरफ केदार धाम के दर्शन का सौभाग्य भक्तों को मिल रहा है तो दूसरी ओर केदारनाथ में हुए पुनर्विकास कार्यों को लेकर वो खुश भी हैं। खास तौर से श्री केदारनाथ धाम की यात्रा को सहज और सुविधाजनक बनाने के लिए यात्री पीएम मोदी को धन्यवाद कह रहे हैं। काफी अच्छा लगा, काफी अच्छी व्यवस्था की है। जब हम चढ़ के भी आए तभी भी काफी अच्छा व्यवस्था की हुई है सारी, यू नो, टॉयलेट्स है और पानी पीने के कूलर्स वगैरह रखे हुए हैं, तो वैसे तो काफी अच्छी व्यवस्था है। और ये परिसर भी काफी अच्छा उन्होंने बना दिया है, बैठने के लिए काफी अच्छी जगह है। एंड यू नो, जब यात्री आते हैं तो हम काफी अच्छे से यहाँ पे एक आध घंटा बैठ के आराम से सारे यू नो सारे पूरे नेचर का फील लेके यू नो बैठ सकते हैं, बिकॉज जगह इतनी ब्यूटीफुल है। तो हमें तो काफी मजा आया। तो हम मोदी जी को स्पेशली इसके लिए थैंक्स बोलना चाहेंगे कि यू नो इतना सारा इतनी अच्छी व्यवस्था है और इतना अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं वो यहाँ। मैं यूपी सहारनपुर से आई हूँ और मैं मोदी जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलप करा है कि अब यहाँ पर कोई भी लोग आ सकते हैं, आराम से दर्शन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें डेवलप भी हुई हैं और ये बहुत अच्छा है कि हर कोई यहाँ पर आराम से दर्शन कर सकते हैं। साल 2013 में आई आपदा के बाद शायद ही किसी को भरोसा था कि केदारनाथ धाम का इस तरह विकास भी हो सकता है। पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम के पुनर्विकास का सिर्फ विजन ही नहीं दिया बल्कि ये सुनिश्चित भी किया कि सभी काम तय समय पर ही पूरे हों। बात चाहे मंदिर परिसर के विकास की हो या वहाँ तक पहुँचने के रास्तों की। शंकराचार्य जी की समाधि को एक बार फिर और अधिक दिव्य स्वरूप में स्थापित करना हो या फिर सरस्वती तट पर घाट का निर्माण, मंदाकिनी पर बना पुल हो या फिर बाढ़ से सुरक्षा के लिए निर्माण कार्य, यात्री सेवाओं और सुविधाओं से जुड़ी पहल जमीन पर उतर चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो यहाँ पर पुनर्निर्माण के कार्य करवा रहे हैं बहुत ही काबिले तारीफ काम किया है और यात्री आप कह सकते हैं कि एकदम भगवान श्री केदारनाथ के 500 मीटर दूर से ही दर्शन कर सकते हैं। और जो रैंप बनाया है, जो यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई हैं, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से हैं और उस पर चलना इतना आसान है कि कोई भीड़ भाड़ नहीं होती। और जब आप केदारनाथ मंदिर में पहुँचते हैं तो आपको एहसास होता है कि वाह, बहुत ही बढ़िया काम किया है हमारे मोदी ने। क्योंकि जो केदारनाथ मंदिर का जो परिसर है, वहाँ पर जब शाम को आरती होती है तो वहाँ पर हजारों लोग एक साथ खड़े होकर आरती का आनंद ले सकते हैं। I'm coming from the USA, from California, for the darshan in Kedar. It was a beautiful, beautiful experience. We started climbing from Gaurikund. As soon as we came up, it was just a beautiful, beautiful experience. I think everybody should come here and get the darshan of Kedarnath and go ahead and you know feel that experience. It's so divine. इतना ही नहीं, अब पीएम मोदी के प्रयासों के चलते केदारनाथ धाम सहित चारों धाम की सड़क मार्ग से यात्रा भी सुकून भरी हो गई है, जिससे श्रद्धालुओं का समय बच रहा है तो यात्रा भी और सुरक्षित हो गई है। पहले डर रहता था मन में कि केदारनाथ धाम की यात्रा बहुत ही ज़्यादा कठिनाई वाली है और रास्ता बड़ा जो है बहुत लंबा है और जाम बहुत रहता है, बट जब हम यहाँ पहुँचे, अब हम रुद्रप्रयाग में इस समय, तो जो ये रोड को देखा है तो बहुत ही अच्छी ये रोड है, बहुत ही आरामदायक सफ़र रहा हमारा। अब मैंने देखा हम 4 घंटे में यहाँ पे पहुँच गए हैं और हमें कोई समस्या नहीं आई और हमने रास्ते में भी देखा काफ़ी और काम चल रहे हैं। हम इस चीज़ ऑल वेदर बोर्ड के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कह रहे धन्यवाद करते हैं। पीएम मोदी की कोशिशों से श्रद्धालुओं के लिए बनी व्यवस्थाओं के चलते केदारनाथ धाम का तीर्थाटन अब कष्ट से मुक्त हो गया है और भक्तों को भोले बाबा के चरणों में लीन होने का सुखद अनुभव मिल रहा है।